जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल फॉर्म जो 2020 में इतनी सारी वैकेंसियां लेकर आई है। कब होगा इसका एग्जाम, क्या है सिलेबस, और साथ ही साथ बात करने वाले मेल एंड फीमेल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी सीआईएसएफ के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल फॉर्म जो 2020 निकला हुआ है उसका सिलेबस क्या है, कब उसका एग्जाम होगा, और इतनी सारी वैकेंसियाँ जो मेल के लिए कितने और फीमेल के लिए कितने हैं, टोटल क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में दी जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। ठीक है, सीआईएसएफ ने बहुत ही बड़ी एक पोस्ट की बहाली की है। ठीक है, देखिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जो 2020 आपका पोस्ट नेम है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वैकेंसी जो डिटेल्स है आपको बता दूँ कि इसमें 52 से पोस्ट है। मेल के लिए कितने हैं, तो मेल के लिए आपको बात करेंगे तो 42 है। मेल के लिए कितने हैं, 42 है, अर्थात 4200। और फीमेल के लिए कितने हैं, तो 1000 है। फीमेल के लिए कितने हैं, 1000 है। अब बात करें कि स्टार्टिंग डेट इसका कब से था, तो स्टार्टिंग डेट सब किसी को पता है कि भाई 23 फरवरी को है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है 25 मार्च को है। और एडमिट कार्ड की सुन अभी एडमिट कार्ड के लिए अभी डेट इशू नहीं किया गया, जैसे ही डेट इशू का मैं आपको अपने वीडियो पर दे दूंगा। ऑनलाइन एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टोटल नोटिफिकेशन सरकारी जॉब के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिजिकल डेट कब होंगे इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। बात करने वाले एज लिमिटेशन की, तो एज लिमिटेशन जो है लगभग कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपका एज जो होना चाहिए 17 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 32 एज होना चाहिए। किसके लिए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल फॉर्म के लिए। ठीक है, बात कर रहे हैं अप्लीकेशन भी, तो भाई बिल्कुल अप्लीकेशन भी फ्री है। आप क्या करेंगे, अपना जाएंगे अप्लीकेशन साइबर कैंप पे जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और ठीक है, आपका अप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है। और हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है, मैं बात करूँगी पोस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है कितनी है। देखिए मेल के लिए कितने हैं, 4200 से था यू कहा जाए कि 42 है। फीमेल के लिए कितने हैं, तो 1000 है। और अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, आप दोनों तरीके से फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। पे स्केल आपको यहाँ पर दिखाया गया कि पे स्केल आपके कितने होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितने चाहिए, तो 10+2 चाहिए और मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो भी भर सकते हैं, 10+2 को है तो भी भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका हाइट जो होना चाहिए कितने होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। और चेस्ट की बात करते हैं, तो 38 से लेकर 83 सेंटीमीटर के बीच में आपका मेल के लिए होना चाहिए। अब करें कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीएसएफ, आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको दिखा दे रहे हैं। 25 मार्च के पहले आपको अप्लाई कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन वाइज आपका बताया जा रहा है कि सिलेक्शन जो होगा कैसे होंगे। ठीक है, किन किन स्टेज से आपको गुजरना होंगे, तो करें कि PhD होंगे, PAT होंगे। ठीक है, इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तब आपका जाएगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएंगे, तब आपके क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन में आपका जॉब फाइनल है। ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्मेट देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया, आप इस लिंक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर करेंगे डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।